Welcome back students this is the second video of chapter 11 transportation in animals and plants in this video we will learn about different types of blood vessels pulse rate and structure of heart there are three types of blood vessels arteries veins and capillaries arteries आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ऑल द आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड इसे हम प्योर ब्लड के नाम से भी जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी पलमोनारी बर्ड इज रिलेटेड विद हार्ट लंग्स सो पल्मोनरी आर्टरी का मतलब यह होता है हमारे हार्ट के जो राइट साइड में वेंट्रिकल होते है उस राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाने वाली लंग्स तक ब्लड को पहुंचाने वाली जो आर्टरी होती है हम उसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें हमारे हार्ट के राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचाया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हमारे लंग्स के अंदर रिलीज कर दी जाएगी और वहाँ से ऑक्सीजन गैस जो होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है जिससे पल्मोनरी वीन जो होती है वो हमारे लेफ्ट साइड के ओरिकल में लेकर आती है सो हियर पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच Contains deoxygenated or impure blood. Except pulmonary artery, all other arteries will carry pure or oxygenated blood. Now, the arteries have thick and elastic muscular walls. आर्टरीज़ की वॉल जो होती है वो थिक होना बहुत ज़रूरी होता है मस्कुलर होना ही बहुत जरूरी होता है मस्कुलर का मतलब होता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो इजीली हो सके ऐसा क्यों जरूरी है बिकॉज ब्लड फ्लो विद हाई स्पीड एंड विद हाई प्रेशर मतलब फास्ट स्पीड से हाई प्रेशर के साथ ब्लड जो होता है वो हार्ट से निकल करके बॉडी के हर पार्ट में जो है वो पंप किया जाता है तो इतने ज़्यादा हाई प्रेशर को जो है वो सहन करने के लिए आर्टरीज की वॉल्स का मस्कुलर होना ज़रूरी होता है अदरवाइज वॉट हैपन दे कैन कोलेप्स तो उससे बचने के लिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं दीज आर थिक एंड मस्कुलर ना द आर्टरीज़ लाइक क्वाइट डीप अंडर आवर स्किन एंड हैंस दे आर नॉट इजीली सीन अगर आप जब भी कभी भी हार्ट हमारे स्किन के पास जो ब्लड वेसल जो देखते हैं उसमें लाइट ब्लू ग्रीन कलर हमें जो है वो नजर आता है दीज आर नॉट आर्टरीज दीज आर विन्स आर्टरिस जो होती है वो हमारे स्किन में अंदर की तरफ रहती है नाउ वी विल रीड अबाउट वीन्स वीन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट यानी कि हमारी बॉडी से पूरा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वीन्स जो होती है वो हार्ट तक लेकर आती है और हार्ट इस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो पल्मोनरी आर्टेरी के थ्रू जो है वो लंग्स में भेजता है और वहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ब्लड में आ जाती है तो यहाँ पर ऑल द वीन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि सभी विन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है केवल एक पल्मोनरी वीन होती है जो लंग्स से ले प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेफ्ट ओरिकल में लेकर आती है हार्ट के लेफ्ट ओरिकल में तो इन दिस मैनर ऑल द विन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन कैरी डी और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड द वीन्स है एंड लेस इलास्टिक मस्क्यूलर वॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लो इज़ नॉट रैपिड एंड एट लो प्रेशर ऐसा क्यों होता है बिकॉज जो हार्ट होता है वो पम्प का काम करता है इसीलिए आर्टरीज की वॉल जो होती थी, है वो थीक थी और इलास्टिक और मस्क्युलर थी परंतु जो विंग्स जो होती है वो पूरी बॉडी से जब ब्लड कलेक्ट करती तो वहाँ पर कोई पम्पिंग ऑर्गेन नहीं होता वहाँ से ब्लड जो होता है वो स्लो स्पीड से और लो प्रेशर के साथ फ्लो होता है दैट्स वाई देर इज नो नीड फॉर द विन्स टू हैव थिक वॉल्स और मोर इलास्टिक मस्क्युलर वॉल्स दैट मीन्स द विन्स हैव थीन एंड लेस इलास्टिक मस्क्युलर वॉल्स नाउ द विन्स आर लेस डीपली सिचुएटेड दैट मीन्स दे आर लाइंग नियर आवर Skin. Some on in some part like on hands, on legs, these veins can be seen. So the greenish blue lines which we see just below the skin of our hands and legs are the veins. Now they have walls which allow the blood to flow in. वन डायरेक्शन ओनली दैट मीन्स ओनली टूअर्ड्स द हार्ट विन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो वापस जो है वो बॉडी ऑर्गेंस की तरफ नहीं जा सकता इट विल गो टूअर्ड्स द हार्ट ओनली नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स दीज आर कैपिलरीज कैपिलरीज जो होता है एज द टर्म इंडिकेट दीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर ट्रीज टू विन्स एज यू आर सींग इन दिस डाइग्राम हियर ब्लड कैपिलरीज आर देयर इसमें से आर्टरीज जो होते वो भी डिफरेंट ब्रांचेस में यू कैन सी दे आर डिवाइडिंग एंड द वीन्स आर ऑल्सो डिवाइडिंग और ये दोनों आपस में मिल करके यहाँ पर जो है वो एक नेटवर्क जैसा बना लेती है इन दिस मैनर हियर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स आकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का मतलब जैसे आर्टरीज जो होती है वो प्योर ऑक्सीजन लेकर के आ रही है ब्लड के साथ सो so, इन द सेल्स दिस ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज और वहाँ से सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बना उसको ये वापस कलेक्ट करती है और जो है वो ये कैपिलरीज कलेक्ट करके उसको वीन्स के थ्रू जो है वो हार्ट की तरफ भेज देती है इन दिस मैनर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस एंड द यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक फूड एंड ऑक्सीजन प्रजेंट इन द ब्लड पास इन टू द बॉडी सेल्स थ्रू द कैपलरीज एट द सेम टाइम द बेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी सेल्स एंटर द ब्लड थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज यानी कि जो वॉल ये जो कैपिलरीज होती है इनकी जो वॉल्स होती है वो सिंगल सेल की बनी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और इसकी जो थिन वॉल्स के थ्रू जो होता है वो मटेरियल्स का एक्सचेंज ईजीली हो सकता है नाओ वी विल रीड अबाउट डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड Veins. Here the a table is given. In this table, the differences between arteries and veins are given. First of all, we will differentiate between these two types of blood vessels on the basis of direction of blood flow. First point is the direction of blood flow, and it says that in arteries, blood will go from heart. टू वेरियस बॉडी पार्ट्स वाइल इन विन्स ब्लड विल फ्लो फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू दार्ट नाउ द सेकेंड बेस फॉर डिफरेंस इज नेचर ऑफ ब्लड यानी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्बोनरी आर्टरी और विन्स में जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्बोनरी विन ना द फ्लो ऑफ ब्लड आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है इट विल फ्लो एट हाई स्पीड एंड विद हाई प्रेशर जबकि विन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है इट इज फ्लोइंग विद लो स्पीड एंड लो प्रेशर नाउ द वॉल्स ऑफ दिज ब्लड वेसल्स वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर्थिक एंड इलास्टिक इन अपोजिट ऑफ दिज ऑफ विन्स आर्थिन एंड लेस इलास्टिक now walls walls are absent in arteries while walls are present in veins now position in the body arteries are deep seated while veins are not deeply seated okay these all are the differences which we read between arteries and veins now to calculate the pulse rate we will perform an activity for doing this activity we can take any stopwatch or wristwatch to measure the time. Now we will place the middle and index finger as these are shown in this diagram from in on the inner side of our left wrist, and we will press it gently. We will feel some strong regular. beating movements or waves under our fingers. this indicates that some liquid is flowing underneath our fingers with a jerk. and this throbbing sensation due to flow of blood under pressure in your in our arteries is called pulse. okay this throbbing sensation. throbbing sensation का मतलब ऐसे लगेगा हमें जैसे एक जर के साथ एक झट के से जो है वो बार बार जो है वो ब्लड क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है हम इसी को क्या कहते हैं पल्स कहते हैं और ऐसा क्यों होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर के कारण होता है जिसे हार्ट एक्चर कर रहा है नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ सच बीट्स और पल्सेज इन वन मिनट बाई यूजिंग अ वॉच वी कैन यूज एनी स्टॉप वॉच Or rest was also the number of beats per minute is called the pulse rate. And for a normal healthy person, we will note down that the pulse rate is 70 to 80 beats per minute. And if we are doing some uh, physical exercise or running or jogging or cycling etc., then this uh, pulse rate can increase. And it is now 100 to 110 beats per minute. So. Uh, we can conclude um, from this activity that a resting person usually has a pulse rate between 72, um, between 72 and 80 beats per minute while it will increase when we are doing any physical activity now we will read about structure of heart this is the last topic for today's video you know that heart is an organ which pumps blood to all the parts of our body through the blood. वेसल्स और हार्ट जो होता है इसकी जो मसल्स होती है दे विल नेवर गेट फैटी यानी हार्ट की मसल्स जो होती है कभी भी नहीं थकती ये नॉन स्टॉप जो है थ्रू आउट आवर लाइफ दे विल वर्क और इसी वजह से हार्ट जो होता है एज अ पम्प लगातार जो है वो काम करता है द हार्ट इज लोकेटेड बिट्वीन द लंग्स इन द चेस्ट कैिटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्स द लेफ्ट द साइज ऑफ़ हार्ट हार्ट की जो साइज होती है एक किसी एडल्ट में एक फिस्ट हमारी मुट्टी के बराबर होती है इट इज़ अबाउट ट्वेल्व सेंटीमीटर लेंथ एंड नाइन सेंटीमीटर इन ब्रेथ नाउ द हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेनस सैक दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो एक स्मॉल सैक मीन्स एक, 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 एक स्मॉल बैग लाइक -like स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो हार्ट एनक्लोज रहता है और ये जो नो जो डबल लेयर्स है हम इसे पेरिकार्डियम कहते हैं द हार्ट हैज़ फोर कंपार्टमेंट्स यानी फोर चैम्बर्स होते हैं दो अपर चैम्बर्स हैं जिन्हें एट्रिया या ओरिकल्स कहते हैं और दो लोअर चैम्बर होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं अब इन दोनों चैम्बर्स में जैसे लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट right ओरिकल और राइट right वेंट्रिकल है तो हार्ट के राइट right पार्ट और लेफ्ट पार्ट के बीच में एक सेप्टम होता है सेप्टम इज अ कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर विच विल सेपरेट दीज टू पार्ट्स लेफ्ट पार्ट फ्रॉम राइट पार्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजन रिच ब्लड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेर इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंड दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स राइट साइड बाई मीन्स ऑफ अ पार्टीशन एंड दैट इज कॉल्ड सेप्टम जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है विच प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होता है जिसे ट्राई कस्पीड वॉल्व कहते हैं और ये जो है वो वेंट्रिकल से ओरिकल की तरह यानी बैकवर्ड वापस फ्लो को रोकता है इसी तरीके से एक बाइक स्पीड वॉल्व जो होगा वो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी होता है और वो भी जो है वो ब्लड को केवल ओरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ही जाने देता है वापस जो है वो अपर डायरेक्शन में फ्रॉम वेंट्रिकल टू तो ओरिकल जाने से रोकता है इन दिस मैनर a uh, structure of heart is found now the different blood vessels are attached with the heart